राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर राजकीय रेलवे पुलिस कार्यालय पर जवानों को शपथ दिलाया गया। इस मौके पर सीओ जीआरपी रचना मिश्रा ने पुलिस कर्मियों को आतंकवाद से निपटने और देश रक्षा की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शांति, सद्भाव और मानव जाति के संदेश को फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। वे 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा किए। 21 मई 1991 को एक मानव बम द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। वह तमिलनाडु के एक अभियान में एक आतंकवादी द्वारा मारे गए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। शुक्रवार को जीआरपी के कार्यालय पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया और पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी एसपी व सीओ रेलवे रचना मिश्रा ने कहा, तथा निष्ठा पूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डट कर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। जी, हमारे जीआरपी अनुभाग में शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का जो है उनके मृत्यु इसी दिन एक बड़ी आकस्मिक सी घटना में हो गई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में भी हमारा देश आतंकवाद विरोध दिवस इस 21 मई को हर साल मनाता है। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ भी अनुभाग के सभी कर्मचारियों को उपस्थित कर शपथ दिलाई गई और यह प्रेरित किया गया कि अपने आसपास होने वाले ऐसे किसी भी घटनाक्रम जो देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बन सकते हैं, उसके संबंध में सजग रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।